ग्राम पंचायत देवपुर के आश्रित ग्राम मुकुंदपुर में सन 1980-81 में एक एनिकेट डैम बना गया है, जिससे गांव के लोगों को बहुत महानदी के बाढ़ से परेशान हैं। बाढ़ आने से चारों तरफ बाढ़ ग्रस्त कर लेता है और गांव वालों की लगभग 200 से 300 एकड़ ज़मीन है नदी के उस पार। उस खेत में जाने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। गांव के 200 से 250 परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या का है? विशेष समस्या तो हम लोगों का ये पुल का है। अच्छा अच्छा क्योंकि ये बाढ़ आने से 8 दिन 10 दिन यदि पानी रुक जाता है और 8-10 दिन में हम सब खेतों को पानी भाग जाता है, है? तो किसानी प्रभावित करता है। अरे हम तो कल चले जाएंगे, हमारे भविष्य में आने वाले संतान जो है उनका कम से कम तो बन तो जाए। अब पूरा पूरा बस्ती के आधा घर तक आ जाती जब पानी गिरते, बाढ़ ज्यादा आती। और एक पुल है जेला नहा के नगरी जाल पड़ते, हमन ग्राम बीरनपुर में है और हमारे बीरनपुर में कुछ व्यवस्था नहीं, न स्वास्थ्य चिकित्सक उपलब्ध है। जैसे कि कोई महिला के इमरजेंसी में डिलीवरी पीरियड होगी, वो में आगे पूरा बाढ़ ज़्यादा बाढ़ आ गई, तब डिलीवरी पीरियड में अगर वाला दर्द होगी तो वाला नहा कहा के ले गेल पड़ते ओ पार। तो एक बारे में क्या प्रयास करे बाबा आप मन है? कई प्रयास भाई, दो बार तो चल दे ना मुख्यमंत्री के पास, तो एक छोटी सी समस्या है 200 मीटर का, 200 मीटर का वो सीसी रोड को किया वही मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। इस वीडियो देखने वालों से मेरा गुजारिश है कि वर्तमान कलेक्टर श्री प्रसन्ना जी को इस नंबर पर फोन कर दबाव बनाए ताकि इस समस्या का निदान हो सके। मैं संतोष झरिया, ब्लॉक नगरी, जिला धमतरी, इंडिया अनहर्ड के लिए।